गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे ब्रेकिंग न्यूज 9 नवंबर दिन शनिवार। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मंदिर का जो फैसला है, जो कई अरसे से चला आ रहा है विवाद कि मेरा है नहीं मेरा है नहीं मेरा है, इस पर देखिए तीन लोगों का केस चल रहा है। एक तो बाबरी मस्जिद का, दूसरा राम मंदिर का, तीसरा वो अखाड़ा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बट नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सन 2010 में के फैसले में उस जमीन को तीन भागों में बांटा गया था, पर इससे क्या हुआ कि लोग नहीं माने और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां से केस चलना शुरू हुआ और उसका फैसला जो कि फाइनली जस्टिस रंजन गोगोई। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैसला किस तरफ गया है, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें और लाइक करें दोस्तों, दबाकर शेयर करें दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल फैला दो, ठीक है। चलिए हम बताते हैं, कमेंट करके अपना राय दीजिएगा। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि जो कि प्रदेश में अर्धसैनिक बल सेना जो कि पूरा प्रदेश में तैनात किया गया है, इसका आप एक आंकड़ा लगाइए कि फैसला बिल्कुल हिंदू यानी राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में होने वाला है। ये मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ, दावे के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी 10:30 पर शुरू होने वाला है केस की सुनवाई और 5 न्यायाधीशों के बीच में फैसला होगा कि इस जमीन का जो हकदार है कौन है। तो चलिए हम बता देते हैं कि बिल्कुल 100% श्योर आप समझ लीजिए कि बिल्कुल राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ ही फैसला होने वाला है, क्योंकि प्रदेश में अर्धसैनिक बल 48,000 तैनात किए गए हैं और 144 धारा लागू कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है जो कि आज 9 नवंबर दिन शनिवार को, और प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में सारे शिक्षण संस्थान बंद है, अलर्ट जारी है, धाराएं 144 लग गई है। आप कभी भी कहीं भी अगर निकल रहे हैं आज के दिन में तो 5 से अधिक न जाएं, फ्रेंड्स हैं कम करके जाएं, क्योंकि देखिए जब धारा लगा है ना तो बहुत ही प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो समझ लीजिए बिल्कुल, इस वीडियो को मेरे बनाने का मतलब यही था कि आप लोगों को इतना श्योर समझ लीजिए कि बिल्कुल फैसला होने वाला है, सो होने वाला है और बिल्कुल राम मंदिर की तरफ ही फैसला होगा। बाकी अब देखते हैं कि जो जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश वही है 5 में से, और उनका ही फैसला सर्वमान्य होगा।